गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एस के सेठ, योर साइंस टीचर। वेलकम यू ऑल एंड स्टार्टिंग 11th चैप्टर फ्रॉम सेकेंड टर्म कोर्सेस। स्टूडेंट, ओपन चैप्टर 11, पेज नंबर 110। क्लियर? चैप्टर नेम इज द इलेक्ट्रिक करेंट। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर व्हाट वी लर्न, what is electric current and what are the its use, what is the circuit diagram and what are cells and batteries। clear bachcho? electricity is the form of the energy। bachcho, electricity kya hoti hai? ek form of the energy hoti hai, and the flow of the electricity across the conductor is called electric current। jo ki kya hota hai, ek wire mein conductor mein kya hota hai, electricity flow karti hai। We are now living in the era of the technology। अब हम लोग technology के युग में रहते हैं। In this era, most of the human activities are depending on electricity। और इस era में हर एक activities क्या है, electricity पर depend है। In the absence of electricity or the electric appliances, यानी कि without electricity we can't do any work। With the help of the electric appliances like a fan, air condition, washing machine, refrigerator are big यूजलेस। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे तो दीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर बिकम यूजलेस हो जाएंगे एकदम। मतलब इनकी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होंगी। द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। क्या होते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी गति करती है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मीन किसी वायर में जब इलेक्ट्रिक फ्लो करती है तो हम लोग उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ नेटवर्क गिविंग द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो एक नेटवर्क होता है जिसमें लाइट्स क्या होती हैं, रिटर्न आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्लोज नेटवर्क ऑफ द वायर्स कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सेल आर द बैटरी एंड बल्ब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्या होते हैं, जो क्लोज नेटवर्क के वायर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, सेल या बैटरी से एक दूसरे से बल्ब के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो जब ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो करता है, यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँच जाता है, तो वो क्या करता है कि बल्ब ग्रो कर जाता है। इंटेलिजेंट फैक्ट्स में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल इन थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं, एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस यूज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड द फ्लो ऑफ द करेंट अक्रॉस द सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच वो होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कनेक्ट और डिसकनेक्टेड करती है फ्लो ऑफ करेंट को। इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच ब्रेक ऑफ द सर्किट थस स्टॉपिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द करेंट। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करेंट क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द बल्ब फ्लो करती है और बैटरी तक जाती है। बट वैन द स्विच इज क्लोज, बट जब स्विच क्या होती है, क्लोज होते हैं, इट अलाउ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट अलाउ द सर्किट, तो ये सर्किट को लॉक कर देती है बल्ब को ग्रो करने के लिए। इट मेक द बल्ब लाइटेड, और बल्ब में क्या होती है, लाइटेड आ जाती है। क्लियर बच्चों? दिस इज अ, यू कैन सी दिस इज अ ओपन सर्किट। अब देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट है, इट मीन दैट ओपन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसमें फ्लो नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगी तो जो हमारे ये LED CFL या बल्ब है वो हमारा ओपन नहीं होगा। क्लियर बच्चों? दिस इज द फिगर ऑफ द क्लोज सर्किट। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ज्वाइंट पिन जो है वायर से कनेक्टेड है ना, इट मीन द क्लोज सर्किट। और क्लोज सर्किट जब कनेक्टेड है तो यहाँ से करंट इसमें फ्लो, यहाँ से करंट ऐसे गई, यहाँ ऐसे करंट जा रही, ये फ्लो कर रही, यहाँ पे हमारा लाइट ग्रो कर जाएगा। दीज सिंबल्स आर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आर यूज्ड व्हाइल ड्रॉइंग सर्किट, और इसको हम ड्रॉ के थ्रू बना के ड्रॉइंग भी समझ सकते हैं ना बच्चों। वॉट आर सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम होते क्या है बच्चों, दिस इज अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम शो हाउ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर कनेक्टेड टूगेदर। सर्किट डायग्राम ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से एक साथ कंबाइंड होते हैं। ईच कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, सारे कंपोनेंट एक सिंबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं।
इलेक्ट्रिशियन एंड इंजीनियरिंग ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू द हेल्प ऑफ द डिज़ाइन एंड एक्चुअल सर्किट। इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर जो होती हैं वो सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करती हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्चुअल सर्किट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सर्किट डायग्राम। बच्चों ठीक है, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ द बैटरी। जो सर्किट होती हैं उसमें क्या होती है, एक बैटरी लगी होती है। दिस इज अ सिंबल ऑफ द बैटरी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव वायर्स। और सभी क्या होते हैं, फिर दूसरे दूसरे वायर से वो कनेक्ट होते हैं। देयर इज एन ऑल्सो स्विच गिवेन टू मेक सर्किट ऑन और ऑफ। इसमें क्या होते हैं, स्विच भी दिए होते हैं जिससे हम सर्किट को ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ से, वॉट इज अ बैटरी। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू एन इलेक्ट्रिक सेल। इसको बताने से पहले बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। वी हैव सीन मेनी हाउस होल्ड डिवाइसेज लाइक अ टॉर्च, रिमोट कंट्रोल, रेडियोज एंड रनिंग बाय इलेक्ट्रिक सेल। सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से चलती हैं। अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल इज डिजाइन टू गिव 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी। जो एक सिंगल सेल होती है इलेक्ट्रिक सेल, वो क्या होती है, 1.5 वोल्ट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। मैनी डिवाइसेज डू नॉट वर्क विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिक सेल। और ये क्या होती है, इतनी कम अमाउंट में होती है इसकी वोल्ट होती है कि इसके विद द हेल्प ऑफ दिस सेल वी कांट ग्रो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। दिस इज रीजन वाई वी यूज कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेल्स इन द सर्टेन डिवाइसेज विच रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी करेंट टू रन। इसलिए हम क्या करते हैं, टू या टू से अधिक सेल्स को कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने को। क्लियर बच्चों। सेल क्या होते हैं, वो हमारी एक जो सेल होती हैं, दिस इज अ सेल। बट बैटरी क्या होते हैं, बैटरी इज अ कंसिस्ट ऑफ ग्रुप टू आर मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। मतलब कि जब हम दो या दो से अधिक सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो बैटरी कहलाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इज नोन एज अ बैटरी। अकॉर्डिंग टू द डिमांड इलेक्ट्रिक सेल कैन बी कनेक्टेड इन टू टू वेज, फर्स्ट इन सीरीज सेकेंड इन पैरेलल। क्लियर बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, एवरी सेल हैज़ टू टर्मिनल विच आर मेजर्ड ओवर द आउट कवरिंग ऑफ द सेल्स। वन टर्मिनल सेल इन पोजिशन एंड अदर इज अ निगेटिव टर्मिनल। जब क्या होते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होते हैं, और फिर अनदर सेल्स को हम निगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करते हैं, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन नोन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सेल इन सीरीज। क्लियर। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल देन द सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज। क्लियर बच्चों। When cells are connected in a series, their final output voltage is the sum of each single cell. For example, if we connected 4 cells, 1.5 each cell, that means our answer 6 volt. मतलब बच्चों क्या होते हैं, अगर कोई सीरीज में होता है तो हम लोग फॉर्मूला कर लेते हैं x1 plus x2 plus x3, this is a formula of the series. In a case of a parallel combination, when positive terminal of all the cells are joined together and similarly their negative terminal join also together. जब क्या होते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यू सी हियर पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर बच्चों। और इसको फॉर्मूला के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 बाई एक्स 1, यहाँ पे हम 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स 2 प्लस 1 बाई एक्स 3 हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर। सेल में हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 करते हैं। यहाँ पर 1 बाई एक्स 1, 1 बाई एक्स 2, 1 बाई एक्स 3 कर लेते हैं। स्टूडेंट दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देयर आर बेसिकली 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, हीट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट।
इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कशन इन अ टू इन अ डिटेल एट अ लिस्ट लास्ट वन विच इज अ केमिकल इफेक्ट शैल बी डिस्कशन इन अ हायर क्लासेस। क्लियर बच्चों, हम यहाँ पे केवल दो के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, लास्ट जो है केमिकल है उसको हम हायर क्लासेस में डिस्कशन करते हैं। क्लियर बच्चों, वी यूज मैनी डिवाइसेज इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कन्वर्ट इन टू हीट एनर्जी। बहुत सारे हमने ऐसे डिवाइसेज देखे हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में। दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इन टू हीट एनर्जी। वैन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द वायर, जब इलेक्ट्रिक करेंट वायर में पास करते हैं इट इज़ अ हीटेड अप, अब ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Devices like a filament of an electric heat geyser, light bulb and utilize this heating effect of the current. तो ये हमारे क्या होते हैं, heating current के best example है effect। Second, magnetic effect of electric current. When a current flow down in a wire, it create a magnetic field। जब बच्चों क्या होते हैं, करंट में वायर में जब बच्चों फ्लो होती है तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करती है। टू सी दिस प्लेस अ स्मॉल प्लॉचिंग कंपासेस नियर द वायर एंड टर्न द करंट ऑन, मतलब वायर में आप करंट फ्लो कर दीजिए और उसके पास आप एक क्या करिए, मैग्नेट ले जाइए, द कंपास नीडल ले जाइए, कंपास नीडल विल डिफेक्टेड। तो आप देखेंगे कंपास नीडल हो जाएगा डिफेक्टेड। डिफेक्टेड मतलब क्या होता है, वो चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। दिस शो दैट द करेंट इज पास, इसका मतलब क्या शो करता है कि जो वायर में है करेंट फ्लो कर रही है, एंड दैट वायर इज नोन एज अ मेटल, और वो वायर किससे बनी हुई है, मेटल की है। इट बिकम अ टेम्प्रोरी मैग्नेट, जो हमारा टेम्प्रोरी मैग्नेट कहलाती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट टू द मैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन पास अक्रॉस अ मेटल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। द मैग्नेट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट अक्रॉस अ मेटल इज नोन एज अ इलेक्ट्रो मैग्नेट, और ये जो एक रिजल्ट हमारा फॉर्म्ड होता है इलेक्ट्रिक करेंट से पास होता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट आई होप दिस चैप्टर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।